अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक। अॼु असां वरी साॻी प्लेटफॉर्म ते गॾु आहियूं। टुडेस असांजी जेका आवर टुडेस क्लास इज क्लास नंबर 38। 37 क्लास हली चुका आहिनि, जंहिंमें असां 6 क्लास ताईं जी साइंस कंप्लीट करे चुका आहियूं। अॼु 7th क्लास जे चैप्टर नंबर 1 खां असां अॼु वरी रीअपियर थिया आहियूं पंहिंजी क्लास जे अंदरि। जीअं तव्हांखे मूं कल ॿुधायो त कलो के ॾींहं में जेको आहे 6th क्लास जी साइंस जेका मुकमल थी चुकी हुई, जंहिंजा टोटल 12 चैप्टर हुआ। They are completed by us. ठीक आ, आज जो को है, today असाई जो का असाई क्लास आ, हुआ है, क्लास 7 जो चैप्टर नंबर 1, that is human organ system. ठीक आ, वालेकुम सलाम, everyone वालेकुम सलाम, everyone वालेकुम सलाम, okay? अच्छा, so जिशान खान आज बगर मेंशन जो पानी जो पास हो, माशाल्लाह था, without notification हुआ, yes, that's good. अच्छा त वेल क्लास थोरो माना लेट थी वई, कुझु प्रॉब्लम हो, तंहिं करे जेको क्लास माना ऑपरेट न पई थी सघे अॼु वञी, हाणे वञी जेको क्लास ऑपरेट थी आहे। सो वेल आई एम वेरी फाइन, जिशान खान वेरी फाइन, गॉड ब्लेस टू यू बाबा, एंड ऑल्सो गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। सो अचो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, अचो पंहिंजी क्लास खे असां स्टार्ट करे छॾियूं। चैप्टर नंबर 1 आहे अॼु असांजो, क्लास 7 थियो, दैट इज ह्यूमन organ system. Okay, so let's start. Diso baba, hiya asanjo insan jo organ system hai, ajo ko asanjo ko topic hai, first topic hai, that is the human digestive system hai. Hane digestive system mein diso asanja jeke humans ja tan ja asan jeke parts and body parts ko kitha ga start the teeth, zuban thi bhai, tongue, pharynx, esophagus, unhe khapo stomach, स्टमक खां पोइ लिवर, देन गॉल ब्लैडर, उन खां पोइ पैंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन थियो, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, ऐं फाइनली वञी करे एनस ते डाइजेस्टिव सिस्टम जेको आहे उहो असांजो ख़तम थो थिए। ओके बाबा, मेंशन कयो ॿियनि खे, जल्दी सां मेंशन कयो ऐं वीडियो खे शेयर कयो त ॿिया असांजा व्यूअर्स जेको क्लास में शामिल थी सघनि। सो एक्सप्लोरिंग डाइजेस्टन, ठीकु आहे, हाणे ॾिसो छा थो चए त स्लाइड ॾिसो गौर सां, ॾिसो छा पियो चवे त हैव यू एवर सीन athletes take glucose solution before their races. cha tama athletes ke ritho do athletes ke glucose ke glucose solution jo ko hai wo istemal karna hai, but before races, race ka pehli jo ko hai wo cha karna hai athletes glucose solution ke jo ko istemal karna hai. why unko reason cha hai ke batai do baba. acha one ka po secondly to so sa ke cha cheva, secondly sa ke chave to the why we need food. असांखे फूड जी जेको आहे, फूड जी असांखे खुराक जी, खाधे जी जेको आहे उहो ज़रूरत छो पवंदी आहे, वाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. सो देर इज़ अ, तव्हांखे ख़बर आहे हिन रीज़न खे जेको आहे सो वज़ाहत करण जी असांखे, मूंखे नथो लॻे का ज़रूरत पवंदी छो त एवरी ऑर्गेनिज़म रिक्वायर, हर जानदार खे जेको आहे उहो फूड जी ज़रूरत पवंदी आहे, बिकॉज छा जे करे त विदाउट फूड जेको आहे त को बि ऑर्गेनिज़म हिन दुनिया में एग्ज़िस्ट नथो करे सघे. जीअं त मिसाल जे तौर ते हर गाॾी खे चुप सो हलण जे लाइ कंहिं फ्यूल जी ज़रूरत पवंदी आहे, ठीकु आहे. सो विदाउट फ्यूल, जेकॾहिं फ्यूल न हूंदो त उहा गाॾी चुप आहे उहा हली न आहे सघंदी. त हर गाॾी खे चुप आहे हलण जे लाइ हर फ्यूल जी ज़रूरत पवंदी आहे, त तीअं साॻे नमूने सां हर जानदार खे, हर इंसान खे चुप सो हलण जे लाइ फ्यूल जी ज़रूरत पवंदी आहे, ऐं उहो फ्यूल जेको इंसान खे, जानवरनि खे मिलंदो आहे, उहो मिलंदो आहे फूड मां, ठीकु आहे. सो दैट्स वाई वी नीड द फूड. सुमेरा सुप्तेन, वालेकुम सलाम बाबा, कैसी हैं आप? अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनिज्म नीड फूड बिकॉज फूड कंटेन यूजफुल केमिकल सब्सटेंसेस, कार न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है. अब सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोहम्मद अली वालेकुम सलाम बाबा, अब सारे ऑर्गेनिजम्स जो है उनको फूड की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि बिकॉज उन्हें खे न्यूट्रिएंट्स मिलंदा आहिनि. उहे न्यूट्रिएंट्स जेको आहे उन्हनि खे फूड मां जिथां जेके जेके मिलंदा आहिनि उहे उन्हनि मज़ा जेको आहे उन जानदारनि खे या उन्हनि इंसाननि खे छा मिलंदी आहे, दे अक्वायर द एनर्जी, हुननि खे जेको आहे छा मिलंदी आहे, एनर्जी मिलंदी आहे, ऐं दैट्स वाइ वी नीड फूड प्रॉपरली एंड पर्टिकुलरली, ठीकु आहे. सेकेंडली ॾिसो, सेकेंडली असांखे छा चयो आहे, फूड पार्टिकल में जेको आहे स्टेप्स आहिनि असां वटि डाइजेशन जा,
आई एम फाइन सुमेरा बाबा, आई एम फाइन, गॉड ब्लेस टू यू। तकरीबन पांच स्टेप, तकरीबन नहीं बल्कि 100% मुकम्मल तौर पे, यस जिशान खान यू आर वेरी राइट बाबा, ब्रिलियंट इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू मिस्टर जिशान खान। जिशान खान सेइंग दैट न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर एक्टिविटी, गुड गुड। सोना खत्री वालेकुम सलाम बाबा। ओके हम बात कर रहे थे कि डाइजेशन के लिए हमें पांच स्टेप्स की जरूरत होती है, वो पांचों के पांचों स्टेप्स बाकायदा वेल मेंटेन होने चाहिए। दीज फाइव स्टेप्स, उसमें क्या होती है इंजेस्शन, इंजेस्शन का मतलब क्या होता है निगलना, ठीक है। अब देखो टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ, डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल इंटू स्मॉल पार्टिकल। डाइजेशन असल में होती क्या है कि जो लार्ज और लार्ज या फिर जो हैवियर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डाइजेशन में क्या होते हैं, वो टूटते हैं, यानी कि मेटाबोलाइज होते हैं, टूटने का काम होता है। हृदय सैनब मेहमान वालेकुम सलाम बाबा, खुश हो जो तां सब खुश हो जो। सो अच्छा फूड पार्टिकल्स से क्या है ना वो है स्मॉल पार्टिकल्स में जो अच्छा इतना टूटी भी ना होने का पर नेक्स्ट ऑन द स्लाइड में एब्जॉर्प्शन लिखा है। एब्जॉर्प्शन में सोचा थी ना दिस स्मॉल पार्टिकल्स कैन इजीली डिफ्यूज थ्रू द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल into the bloodstream. Digestion processing do hai ta chha thino hai agro do hai diffusible food and bio do hai non diffusible food. Diffusible food matlab chha hai jo ko digestive cheez hoga jo ko mukammal taur pe beneficial hota hai ya jo ko energy provide karta hai wo shamil thinda hai blood capillaries ke zariye asani blood pe shamil thinda hai wo je je body part mein je je cheez je je kisam ki energy need hundi hai uha ute energy pujindi hai चवंदा आहिनि जितां फॉरेन कंट्री जा माण्हू ॾिठा हूंदा केतिरा हेल्दी हूंदा आहिनि, वॾी एज जा थी वेंदा आहिनि पर पोइ बि लॻंदा न आहिनि, छाजे करे त हुननि जो फूड सिस्टम जेको आहे उहो तमामु बहितरीन आहे, सुठी क्वालिटी वारो। त गाइस कोशिशि कयो, ठीकु आहे, पंहिंजे पाण में तव्हां जो पासो एतिरा बाशूर आहियो, पढ़ियल लिखियल आहियो, लिटरेटेड पर्सन आहियो, इलिटरेटेड कोन आहियो, त फूड जेको आहे अहिड़ो तव्हां इस्तेमालु कयो जेको तव्हांजी हेल्थ जे केयरफुल हुजे, न के तव्हां अहिड़ो फूड इस्तेमाल कयो जेको तव्हांजे लाइ केयरलेस हुजे। मोहम्मद असलम वालेकुम सलाम बाबा, ठीकु आहे बाबा। सो असां ॾिसो मोस्टली जेको आहे सो सिंध रीजन में ॾिसो वञे, पंजाब रीजन सिंध रीजन में कॾहिं कॾहिं तव्हां ॾिठो हूंदो जंक फूड घणो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, जंहिंमें समोसास रोल्स वग़ैरह ऐं क्रंची फूड वग़ैरह सेखारींदा आहियूं, हुन में तव्हांखे ख़बर कोन्हे का असां फिल वक़्त जे लाइ असां हुन मां ज़ाइको वठंदा आहियूं कुझु देरि जे लाइ या असां पंहिंजी बुख वग़ैरह खे ख़तमु कंदा आहियूं, लेकिन उन वजह असांखे वक़्तनि पर वक़्तनि केॾो न नुक़सानु पुॼंदा आहिनि उनजो असांखे अंदाज़ो ई कोन्हे, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी बीमारियुनि खे असां जेको आहे मुंहुं ॾींदा आहियूं, ठीकु आहे बाबा। सो ट्राए टू टेक सुइटेबल एंड हेल्दी फूड, ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सबको, ओके। अच्छा फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि जितना भी फूड जो है हम सारा का सारा जितना भी इस्तेमाल करते हैं वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट के पास डायरेक्टली फूड नहीं जाता, वो क्या होता है डाइजेस्ट होता है। अब्दुल रऊफ सुमरो वालेकुम सलाम बाबा। सो अच्छा फिर क्या होता है कि जो भी फूड हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में शामिल नहीं होता, उसके लिए उसको केमिकल प्रोसेस की जरूरत होती है, डाइजेशन की जरूरत होती है और एंजाइम्स की जरूरत होती है, ठीक है। वो मुकम्मल तौर पर जब हजम हो जाएगा फिर जाकर वो हमारे बॉडी में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में शामिल हो जाएगा। Secondly, so, the large and complex particle cannot enter into the cell. Yaad rakho ke food jo hum khate hain wo directly cell ke hamare body ke ya blood ke jo cells hote hain usme directly wo food nahi jata. Kyun nahi jata? Kyunki maine aap logon ko kaha tha ke food ko blood mein shamil hone ke liye wo unko digest ya fir metabolize hone ki zarurat hoti hai. Prakash Kumar Meghwal, Walaikum Salam Baba, God bless you. नजर महमूद गॉड ब्लेस यू बाबा, थैंक यू। अब देखो हमारे फूड जो हम खाते हैं वो तकरीबन कितने घंटे के अंदर हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड पहुंचाता है। देखो फूड को हम जिस टाइम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में तकरीबन 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसमें से जो हमें एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमारी बॉडी में सप्लाई होने के लिए 24 घंटे से लेकर 30 घंटे तक जो है वो एनर्जी हमारे पास, क्योंकि एनर्जी में आप लोगों को पता है कुछ होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कुछ होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स।
अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स तो कब के अंदर हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फर्दर मेटाबोलाइज होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, डिफ्यूज होते रहते हैं, तब जाकर वो 20 से लेकर 30 घंटों तक हमारे ब्लड वेसल्स में शामिल हो जाता है। ठीक है, अकनवास, मालिकुम सलाम बाबा, नंदलाल भी, हेलो बाबा, गॉड ब्लेस टू यू। सो डाइजेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होती है असानी माउथ का, ॾिसो माउथ असांजे ॾिसो छाते डाइजेशन में टे पोर्शन आहिनि, हिकिड़ी ज़बान, ॿियो अपर जॉस ऐं लोअर जॉस। यादि रखो तव्हां जॾहिं बि को फूड खाओ था त पंहिंजे फूड खे तव्हां चङे नमूने सां उन टाइम ते चॿाड़ियो, त जीअं अंदर जे टाइम ते तव्हां उनखे अंदरि निकलियो था, जब आप फूड को निकलते हैं उस वक़्तु वो पेट में अंदर जाकर इजीली तरीके से डाइजेस्ट हो सके। खासकर हम जो हम शादी ब्याह में जाते हैं वहां पे आप लोगों ने देखा होगा नान और कॉर्न में बदलाव दूसरे चावल होते हैं। ठीक है, जब आप लोग वहां पे खाते हैं तो खाने के दौरान आप लोगों को ये चाहिए थे कि वो अच्छे तरीके से उनको चबाओ। जैसे कि मैं अब क्या कहते हैं जॉकिंग एक बात है, वो क्या है कि हम खाते जाते हैं घपाघप बस खाते जाते हैं, पता नहीं चलता कि एक नान आ गया। आप तो आजकल ऐसे हो गया कि थाल पे नजर होती है, चलो मिसाल के तौर पर अगर एक कॉर्मे का थाल आ गया, दो चार बंदों ने उठा लिया, सारी की सारी बोटियां ले गया वो। ठीक है, अब दूसरा बैठा इंतजार में, वेटर आया, वेटर ने थाल उठाया, वो लेकर चला गया, वो क्या करेगा, चम्मच उठा के हाथ में बैठ जाएगा, ऐसे करके बैठ जाएगा। जब वो आ जाए तो पहले मैं जो है इस थाल में से वो बोटियां वगैरह उठा लो, बोटियां वगैरह उठा ली तो फिर खाता रहेगा अच्छे तरीके से, वो नान और चावल या फिर बोटियां उसको अच्छे तरीके उसको च्यू नहीं करता, चबाता नहीं है। उसको ये पता नहीं कि मेरे जल्दी जल्दी खाने की वजह से वो चावल जो नान या फिर वो जो बूटी है वो कितना बड़ा नुकसान मेरे लिए पैदा कर रही है। ठीक है, सो लिहाजा ईमानदारी से खाएं और अपने आप के साथ दुश्मनी ना करें। वो कहते हैं ना कि पेट अपना और खाना पराया, ऐसे ना समझे कि पेट भी अपना समझे और खाना भी अपना समझे और अपनी हेल्थ का अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। ओके, हाँ शाहनवाज कह रहा है कि मुकाबला होता है, बिल्कुल मुकाबला भी ऐसे होता है कि पता ही नहीं चलता कि उसने कितना खाया, उसने कितना खाया। या फिर अगर मिसाल के तौर पे एक टेबल पे मैं हूँ, शाहनवाज है, मोहम्मद असलम है और दिशान खान है, ठीक है, ये हम बैठे हैं। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे हम अगर हमारी मेरी किसी बहन के पास हम दावत के पास चले गए, जैसे हमारी बहन हो गई रोशनी डोल, ठीक है, रोशनी डोल को हमने कहा कि भाई हमारे लिए आप दावत करो, हम बैठ गए। अब रोशनी डोल बेचारी मेरी बहन जो वो पकाती रहेगी, रोटियां पकाती रहेगी, खाना बनाती रहेगी, हम खपा कर खाते जाएंगे। हमें ये नहीं पता होता कि हम जितनी फास्टली खा रहे हैं फूड को अच्छे तरीके से च्यू नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, आखिर ये भी क्या करेगी बेचारी, झाड़ू को हाथ में उठाएगी, स्टिक को हाथ में उठाएगी, भगाएगी सबको। ऐसे ही होता है ना रोशनी बेटा, आप हम सबको भगा दोगे, क्यों, क्योंकि ये जो मेरे साथ जो थे, कौन था जिसका नाम नहीं था, मोहम्मद असलम हो गया, शाहनवाज, हम तीनों चारों विशान हो गया, हम आपके पास दावत पे आ गए। ठीक है, आप तो पका के बेजार हो जाओगे, हम तो खाने में माशाल्लाह ऐसे हैं कि हम चबाते नहीं, हम बस निकलते जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा सैयदा नूरिया फातिमा, ॾिसो तव्हां खां पुछे पई त वाक्य में क्या ऐसे ही है, वो कौन कह रही है के गोरी सोलंकी, सर कभी कभी मिलता है मुफ्त का खाना। हाँ ये बात है, मुफ्त का खाना जो कभी कभी मिलता है तो हम उस पर इस तरह से टूट पड़ते हैं जैसे कोई रस्से से बकरी को खोल दिया और वो घास के ऊपर टूट पड़ती है। ओके, सो फर्दर, अच्छा नेक्स्ट रोशनी डोल, ओहो रोशनी डोल को कुकिंग नहीं आती, तो ठीक है आप खर्चा करके होटल से मंगवा लीजिएगा हमारे लिए, ऐसे ही। सो अच्छा फर्दर, अब देखो डाइजेशन हमारी माउथ से स्टार्ट होती है जिसमें फूड पार्टिकल को चाहिए कि अच्छे तरीके से डाइजेस्ट किया जाए। सो बहरहाल नेक्स्ट, अब देखो ये है हमारे स्ट्रक्चर माउथ में, देखो क्या है, हमारे चीक्स, हमारे जो गाल होते हैं, ठीक है, और हमारे लिप्स होते हैं, ये कौन सा काम करते हैं, कीप फूड बिटवीन टीथ। हमारे गाल, ये जो स्किन है, और अब हमारे जो लिप्स होते हैं, इसका काम क्या होता है, ये दांतों के दरमियान, दांतों के बीच में पीसने के लिए उसको रखते हैं। नतीजे में क्या होता है, रिजल्ट में फूड मुकम्मल तौर पे च्यू हो जाता है या फिर चबाया जाता है। अच्छा, उसके बाद वॉल्स ऑफ माउथ
माउथ के अंदर वाले जो वाल्व है वो क्या करते हैं, उसके अंदर एक लिक्विड होता है, पानी होता है, जिसको हम सलाइवा कहते हैं, और उस लिक्विड के अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये सलाइवा क्या करते हैं, सलाइवा हमारे फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, पीसता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और डाइजेस्ट करने के बाद अपना क्या कहते हैं, स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी वहां पे डाइजेस्ट हो जाते हैं फूड में से। अच्छा, और स्टार्च हो गई या जो भी हमारे फूड के अंदर मौजूद है। नेक्स्टली अच्छा, रोशन डॉल, अच्छा मतलब ये कि आपने माशाल्लाह से बड़े तहे दिल से जो है वो मेरी बहन ने कहा है, गॉड ब्लेस यू बाबा, गॉड ब्लेस टू यू। उसके बाद जबान हो गई, जबान जो है डाइजेशन के दौरान या खाना खाने के दौरान, आपको पता है आपको टेस्ट बर्ड्स होते हैं इसके पास, जो कि आपको टेस्ट के बारे में पता नहीं। टीथ, दांत जो होते हैं वो दांत क्या करते हैं, खाना पीसने का काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल कुछ बड़ी उम्र के कुछ लोग होते हैं, उनके बेचारे मुंह में या तो 6-7 दांत होते हैं या फिर कुछ दांत होते हैं, उनको बेचारों को क्या होता है चबाने में अपना क्या कहते हैं कुछ मुश्किल होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास व्यूअर में से एक मेरा भाई है, जीशान खान हो गया, ठीक है, और एक मेरा भाई है अपना क्या कहते हैं हक नवाज, और या शाहनवाज, या मोहम्मद असलम, ठीक है। अगर इस वक्त इनके मुंह से दांत निकाल ले जाए और इनको कहा जाए कि हाँ भाई ये लो बोटी खाओ, फिर इनको चिकन या फिर बोटी या फिर कोई भी आप गोश्त दोगे तो वो अच्छे तरीके से चबा नहीं सकते। क्यों? बिकॉज टीथ्स जो है वो दांत की केयरिंग इतनी करें कि आप अपनी आपकी सेहत का असल जो हेल्पर है वो दांत है आपके। क्यों? क्योंकि आपके दांत आपके फूड को अच्छे तरीके से च्यू करते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं, और फिर नतीजे में आपके जो फूड है वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एसोफेगस। एसोफेगस क्या है, आपकी ये जो गले से अंदर जो नाली, एक ट्रैक जो रास्ता जा रहा है उसको कहा जाता है एसोफेगस। एसोफेगस में देखो क्या होता है, इसमें जो फूड होता है वो हमारे फूड के अंदर अपना जब हम मुंह में निवाला डालते हैं, निवाला डालने के बाद जब वो अंदर जाता है, हम निकलते हैं, तो बॉल की शक्ल में होता है। कौन सी शक्ल में होता है? बॉल की शक्ल में जो होके अंदर राउंड शेप में अंदर चला जाता है, उस बॉल की शक्ल वाले फूड को हम कहते हैं बोलस, ठीक है। क्या कहते हैं? बोलस। बोलस क्या है? एक फूड है, एक निवाला होता है, ठीक है। सुंदर खालिद अवान, वालेकुम सलाम बाबा, लेट अचीव हो, तांदे पंजाब पे जो फाइन आ, सो वेल। अच्छा, बोलस जो है वो राउंड शेप में फूड निकला हुआ अंदर निकल जी हुआ फोए होते चा थी तो है डाइजेशन जो प्रोसेस इतना एसोफेगस का स्टार्ट थी तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो एसोफेगस से स्टार्ट हो जाता है। फर्दर स्टमक, यस, काफी देर हो गई, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछे आप लोगों से। सैयदा नूरिया फातिमा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीयर टीथ? बाबा टीयर टीथ का जो काम होता है वो फूड पार्टिकल को अच्छे तरीके से वो क्या करता है चबाता है, चबाने के बाद उसमें से ग्लूकोस, स्टार्च और जो जो पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स माउथ में डाइजेस्ट होने होते हैं वो वहां पे डाइजेस्ट हो जाते हैं। अच्छा सुंदर खाली आवाज, अच्छा बाबा, अच्छा शैतानी मसरूफियात कुछ बताएगा, गॉड ब्लेस यू बाबा, ठीक है। अब स्टमक जो है हमारी बॉडी के अंदर अंदर जो है, काफी देर हो गई मैंने सवालात नहीं पूछा। और उषा गुरगिड़ी, वालेकुम सलाम बाबा, बाबा सवाल मैंने पूछा नहीं, अब मुझे बताओ कि हमारा जो स्टमक है, ठीक है, उसमें से एक एंजाइम सीक्रेट होता है, बताओ उस एंजाइम का नाम क्या है? शाहनवाज बाबा ताने मुख मुख पकड़ा हो तो ना बे के कौन सुना तो शाहनवाज बाबा ताने मुख ता फसा हो तो ना बाबा ये तो ना क्यों शाहनवाज कह रहे हैं कि साईं आप लेट हैं टाइम टेबल के हिसाब से। बाबा मु ताने रीजन ताने बता ने ते थोड़ा इशू हो ब्रो, मु इशू क्लियर थी हो, क्लास स्टार्ट ना पई थी ऐसे तरीके था। यस, स्टमक मा जो को एंजाइम सीक्रेट थी नो आए, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम? यस गाइस, क्या बताइए नो। हां, सुंदर खालिद अवान चेती हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सुंदर बाबा यो एसिड है वो एंजाइम जी गाल कही है। स्टमक मा जो को एंजाइम सीक्रेट थी वो है उन्हें एंजाइम जो नालो चाहे,
Very right answer given by Mr. Zeeshan Khan. Zeeshan Khan कह रहा है कि pepsin enzyme जो है वो stomach में से secrete होता है. शाबाश, brilliant Zeeshan Khan. Okay, वो जो pepsin enzyme stomach में से secrete होता है, उस enzyme का काम क्या होता है? Pepsin enzyme food में से किस चीज को digest करता है? बताएं बाबा. रोशनी डॉल, पेप्सिन, यू आर राइट बाबा. सुंदर स्काली दवान, पेप्सिन, ओके. यस, पेप्सिन एंजाइम जो है वो हमारे फूड में से वो किस चीज को डाइजेस्ट करता है? यस गाइस, कौन बताएगा? पेप्सिन एंजाइम हमारे फूड में से किस चीज को डाइजेस्ट करता है? Very right, excellent Baba, brilliant answer given by Mr. Zeeshan Khan. Zeeshan Khan chaveto, pepsin breaks down the protein in the food into smaller particle. Shabash, excellent. Next jo hai wo viewer hai hamari meri behan Roshni Dol, wo keh rahi hai ki pepsin protein digest karta hai. Right, excellent Baba. So let's start further. ठीक है. अच्छा, जे शेप का होता है ये मस्कुलर बैग. द वॉल्स ऑफ द स्टमक रिलीज गैस्ट्रिक जूस. दिस जूस कंटेंट, अच्छा, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उसमें से रिलीज होता है एक जूस. उस जूस का नाम क्या है? गैस्ट्रिक जूस. उस जूस के अंदर क्या मौजूद होता है? कुछ स्मॉलर किस्म के पार्टिकल्स होते हैं. एक एसिड होता है उसके अंदर मौजूद, जो स्टमक की जो वॉल्स होती है, ठीक है, वो एक गैस्ट्रिक जूस जो है वो अपना क्या कहते हैं वो निकलता है, ठीक है. और वो गैस्ट्रिक जूस जो है उसके अंदर क्या मौजूद होता है? एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पानी, और तीसरा उस गैस्ट्रिक जूस में वो मौजूद होते हैं एंजाइम्स. ये तीनों आपस में मिलकर वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और वो प्रोटीन को जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उसको सिमिलर पार्टिकल में उसको कन्वर्ट कर देता है, फिर फाइनली फूड में ब्लड में शामिल कर देता है. जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है? फूड को सॉफ्टन करता है. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे फूड के अंदर कुछ अगर जम्स वगैरह हो गए तो फिर उसको भी वो मारता है या फिर मार के खत्म कर देता है. ओके, फेरेंक्स एंड स्वेलोइंग. देखो, फेरेंक्स में, फेरेंक्स इज अ फनल शेप मस्कुलर ऑर्गन दैट कनेक्ट्स माउथ टू द एसोफेगस. एसोफेगस से लेकर माउथ तक, एसोफेगस और माउथ को जो कनेक्ट करता है उस कनेक्टिविटी का नाम है फेरेंक्स. ये अच्छा, इसमें क्या होता है? मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द फेरेंक्स हेल्प्स टू प्रोपेल फूड इनटू द एसोफेगस एंड देन इनटू द स्टमक. ये फेरेंक्स का काम क्या करता है? वो फूड को किसके पास पहुंचता है? माउथ से लेकर एसोफेगस तक, फिर एसोफेगस से फिर आगे वो उसको भेज देता है और फूड को जो वो पीसता जाता है. जैसे जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, हमारे सांस लेने के बाद हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इस तरह से खुलती है, ओपन क्लोज होती रहती है. तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग फेरेंक्स की भी होती रहती है. इस फेरेंक्स में ये अपना क्या कहते हैं, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से फूड जो है वो पीसता जाता है. रफी आबासी, वालेकुम सलाम, गॉड ब्लेस टू यू बाबा, देर से आया हो. Why does epiglottis perform swelling? अब देखो, as larynx in front of the esophagus, so there is a possibility food enters into the respiratory tract. During swallowing, this is usually prevented by a flap-like structure, epiglottis. जब भी हम खाना खाते हैं तो एक होती है epiglottis, दूसरा होता है larynx. ठीक है, ये क्या एपिग्लोटिस खास करके खाना खाते वक्त एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और लैरिंक्स भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है. ठीक है, क्यों? वजह क्या होती है? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं या फिर जब हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो फनल शेप मतलब फनल ट्यूब आए तलेबाट्री मिनट उन्हें माना शेप वांगर हुआ ऐसा जो. ठीक है, अच्छा, जब हम बात करते हैं
अच्छा रफिया पासी डॉक्टर के पास गई थी, अल्लाह आपको सेहत दे बाबा, अल्लाह आपको सेहत दे, खैरियत से हो आप सब, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी जो आवाज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो लैरिंक्स, ठीक है, जो के लंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। एपिग्लॉटिस और लैरिंक्स क्या होते हैं, वो खाना खाते बंद हो जाते हैं। यस क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जा रहा है, गौर से सुनिए, सेरेक्स क्या है और लैरिंक्स क्या है। जैसे ये देखो यहाँ पे लैरिंक्स है, LARYNX, एक है लैरिंक्स और दूसरा है सेरेक्स, SARYNX, इसको कहते हैं सेरेक्स, दूसरा है लैरिंक्स, LARYNX। क्या फर्क क्या है दोनों में, सेरेक्स और लैरिंक्स क्या होते हैं। इमरान अली मल्ला वालेकुम सलाम, अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, के सेरेक्स क्या है और लैरिंक्स क्या है। अरे अब शाबाश, जब तक आप लोग अपने आंसर मेंशन करें कमेंट में, आई गो फॉरवर्ड टू द क्लास, ठीक है। सो आप देखो स्टमक के बारे में, मस्कुलर वाल्स होती हैं, उनके पास मिक्सिंग होती रहती है फूड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता रहता है, फूड को सॉफ्टन करता रहता है। बाबा क्वेश्चन ना वरी रिपीट, तो क्या सेरेक्स चाय एंड लैरिंक्स चाय, ईमानदारी का जो गूगल था केम जो पाए सर्च कयो उन्हें के अलावा दिसन हो, ठीक है। सुदेश खालिद अवान, सेरेक्स साउंड से रिलेटेड है, तो फिर लैरिंक्स किससे रिलेटेड है बाबा। नेक्स्ट इज द लिवर एंड पैंक्रियास, बोथ लिवर एंड पैंक्रियास प्ले अ रोल इन डाइजेशन, विदाउट देयर सीक्रेशन डाइजेशन रिमेंस इनकम्प्लीट। ये लिवर और पैंक्रियास क्या है, कुछ क्या है, कुछ सीक्रेट करते रहते हैं, ठीक है। अगर ये कुछ सीक्रेट ना करे तो इसके सीक्रेट ना होने की वजह से डाइजेशन बदहजमी हो सकती है, और बदहजमी के अलावा फिर बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसको कहा जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, वॉमेटिंग हो सकती है। सुंदर खालिद अमान आप क्यों हंस रही है बिना वजह, ओके। सो एज लिवर कंटेंट्स गॉलब्लैडर व्हिच स्टोर्स बाइल, लिवर के पास होता है गाल ब्लेडर, जेके सिंधी में पित्तो चौना है या पित्ता कहा जाता है उर्दू में, ठीक है। अच्छा However, the food does not pass through this structure, that's why they are not the part of alimentary canal, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि गाल ब्लेडर वो कुछ सीक्रेट करता है, बाइल को सीक्रेट करता है, बाइल स्टोर करता है, जिसको बाइल जूस भी कहा जाता है, ठीक है। वो फूड में मिक्सअप हो जाता है, फूड को आसानी से वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। रोशन साहब 6 किलो सुंदर खाली दवा वाला 6 जला खिल रहा है, खुदा जाने 6 बजा है, बुदा है जल्दी में। अच्छा मुझे अल्लाह आदेशन होने ता बैक किलो, ओके ओके। ओबेसिटी इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, इफ एनर्जी इनपुट एज अ रिजल्ट ऑफ ईटिंग इज ग्रेटर देन एनर्जी यूज्ड, The extra energy is stored as the fat, so become overweight or obese. Obesity क्या होती है? Obesity का मतलब क्या होता है कि हमने जितनी चीज बनानी चाहिए उसे ज्यादा बन गई, ठीक है। जैसे आपने जितना फूड खाया है, फूड की निस्बत में आपको एनर्जी ज्यादा मिल गई, तो उस ज्यादा एनर्जी को हम कहते हैं obesity, जिसमें लोग क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, बहुत हेल्दी वेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। इतने हेल्दी हो जाते हैं, इतनी हेल्दी हो जाते हैं कि घर में रखे रखे चारपाइयां तोड़ देते हैं, कुर्सियां तोड़ देते हैं, या बहुत कुछ वो सिटी में घरवारा चलना है, घर में खाई खाई खटू टोड़े शरीर था, ठीक है। तो ओबेसिटी छाए के कि समझो एड़ो डिसऑर्डर होता है जिसमें एनर्जी जो पाए फूड का वधी का संग मिली हुई है, ठीक है। फर्दर एक्सप्लोरिंग डाइजेशन में चलता, इफ फूड मूव्स डाउन द एसोफेगस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और Web-like movement, then what would happen if a person stand on his head? ये कह रहा है कि हम जो कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, वो खाना अंदर जो निकलने के बाद नीचे जाता है, वो जमीन की अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से होता है। ये कह रहा है कि अगर एक बंदा खाना खा ले, खाना खाने के बाद वो उल्टा लटक जाए, बताए उस बंदे के साथ क्या होगा? हाँ, सेरेक्स से लेरेक्स ताकि मैं बताए श्रेया, लैरिंक्स जो है आवाज वाली हिकड़ी जगह है, पर्टिकुलर जगह है बॉडी पार्ट चीज होता जगह से नेक के हेठा हुंदी है, आई जो को सेरेक्स है, सेरेक्स जो है वो मौजूद हुंदा है बर्ड्स में, ठीक है। आवाज प्रोड्यूसिंग कंदो है ब
birds में होता है syrinx, human beings में होता है larynx. Is that clear now? गौरी सोना के सर gallbladder stones के बारे में बताएं. बाबा पित्ते जी पत्री जी का gallbladder stones यो छाजे करे थी नहीं है. घणी स्वीट सुपारिस वगैरह खाने जे करे. टमाटो जो को ऐसा खाएं ना टमाटर वो खल समेत टमाटर तान सुनो ऐसा भाजी वगैरह जब हम सब्जी वगैरह बनाते तो टमाटर जो है वो इतनी जल्दी पिघलता नहीं है. ठीक है. फिर क्या हो जाता है कि हमारी जो है टमाटर पिघल नहीं पाता. फिर उसके नतीजे में क्या होता है अंदर जाकर एक हमारी किडनी होती है दूसरा गाल ब्लैडर इसमें फिर पथरी सी बन जाती है. ज्यादा स्वीट्स अपना सुपारियां वगैरह छालियां वगैरह खाने से भी ऐसे होता है. सो आप सवाल ही हो तो चेक करे को पर्सन मानी खाए यकदम मानी खाने का वो उल्टो लटके बुधाया उन्हें मानो अच्छा थी नो. बिल्कुल रोशनी डोल इज सेइंग दैट के और शाना और उल्टी सुंदर स्काल सेरेंट साउंड से रिलेटेड आ मो भी है. अच्छा बाबा बिल्कुल सुंदर स्काल जवान ताइए तो चाहे पर ताइए तो कौन जान तो सेरेंट्स बर्ड्स में होता है लेरेंट्स ह्यूमन बींग्स में होता है. सो ओके दोस्तों आजो की क्लास इतने वाइंड अप था क्यों ठीक है. जे करे किसी को क्वेश्चन हो जाए को सवाल हो जाए तो आप पूछ सको था. हरी अप शाबाश. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू हैव ओनली 2 मिनट्स. शाबाश हरी अप. यू हैव ओनली 2 मिनट्स टू आस्क द क्वेश्चन. जबरदस्त इंफॉर्मेशन इन या आदि सुंदर खालिद अवान चाहती एंटी पेरास्टेलिसिस. शाबाश शाबाश. इस तरह की अगर बंदा खाना खा के अगर वो उल्टा लेट जाए या फिर लोग कहते हैं ना खाना खाते ही एकदम से लेट नहीं जाया करो क्योंकि वो खाना नीचे नहीं उतरता तो फिर वहां पे गैस पैदा कर देता है जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारियां भी हो सकती है वोमिट भी हो सकती है कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है. ये कल की क्लास में आपको मैं इसके दीगर जो डिसऑर्डर्स है फूड सही तरीके से डाइजेस्ट ना होने की वजह से क्या डिसऑर्डर्स होते हैं वो मैं आपको कल की क्लास में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा. ठीक है. जबरदस्त ईशान खान. ईशान खान सिंगर फैरेंक्स मींस थ्रोट एंड लैरेंक्स आल्सो नॉन एज वॉइस बॉक्स. ओके शाहनवाज बाबा साइंस ही टेस्ट था इंग्लिश में ही थी नहीं छो तो ताई देखा जेएससी पीएससी का टेस्ट में अपीयर थी नो हुआ टेस्ट में ताई फकत इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी. ओके दोस्तों अने सर फरहान अली के लिए इजाजत. डाटो आई होप ता एंजॉय कयो नो जो की क्लास में छो तो हसी मजाक हलती रही आई सारी क्लास पर हलती रही ता नॉलेज जो पासो ता तो फुल कोशिश की ता पूरी नॉलेज प्रोवाइड कर सका. तो सुबह ऐसा वरी नई क्लास सा गंथिनासी सागे प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म पे ठीक है. त सर फरहान अली की इजाजत बमा लेना इलल बलागुल मुबीन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू.